एकरा जान बचा, एकर जान बचा के एकरा पकड़ खगड़िया ले चल सीमा पर पहली बार चढ़ते नील आर्मस्ट्रांग के हृदय की गति जिस रफ्तार से चल रही होगी, ट्रेन में लटके भाई साहब की हृदय गति उससे कम नहीं होगी। इन्हें दिन में ही चांद नजर आने लगा था। शुक्र मनाइए कि इनका ग्रह नक्षत्र ठीक चल रहा था और यात्रियों ने इसे सलामत मौत के मुंह से धरती पर लैंड करा दिया। चलिए भाई साहब, बेगूसराय में चलती ट्रेन की खिड़की से मोबाइल चुराने की कोशिश कर रहे थे और इनकी जान पर बनाई। जैसे ही चोर ने स्टेशन छोड़ रही ट्रेन की खिड़की में हाथ डालकर एक यात्री का मोबाइल छीनने की कोशिश की, यात्री ने उसका हाथ पकड़ लिया। दूसरे यात्री ने चोर का दूसरा हाथ पकड़ लिया और अपने पास खींच लिया। इस बीच ट्रेन स्टेशन से बाहर निकल गई और चोर खिड़की से लटक गया। करीब 15 किलोमीटर तक यात्रियों ने उसे ऐसे ही लटकाए रखा और भाई साहब बाप बाप चिल्लाते रहे। ट्रेन के यात्री इस चोर को बेगूसराय से साहेबपुर कमाल रेलवे स्टेशन से खगड़िया तक यूं ही लटकाए ले गए। इस बीच ट्रेन चलती रही और लगातार वो मिन्नत कर रहा था कि भैया हाथ टूट जाएगा, मर जाएंगे, छोड़ दो, लेकिन यात्रियों ने उसे छोड़ा नहीं। खगड़िया स्टेशन पर उसे जीआरपी के हवाले कर दिया गया। युवक का नाम पंकज कुमार है, वह बेगूसराय के साहेबपुर कमाल थाना क्षेत्र का रहने वाला है। मामले में पीड़ित सत्यम कुमार ने आवेदन दिया और इस मामले में केस दर्ज किया गया है। हम बेगूसराय से सफर कर रहे थे। अच्छा। और जब साहेबपुर कमाल पहुंचा तो खिड़की के बगल में हम बात कर रहे थे, कॉल आया था, तो उसी क्रम में मोबाइल छीना गया मेरा। तो उसके बाद क्या किया आप लोग? उसके बाद एक उसका साथी जो था उसको मोबाइल छीन के दे दिया और दूसरा जो पकड़ाया है उसको पकड़ के रखा गया। यात्रीगण भी सब सहयोग किए थे। रही कि यात्रियों ने हाथ नहीं छोड़ा, नहीं तो उसके साथ अनहोनी भी हो जाती। चलती ट्रेन की खिड़की से लटके हुए आरोपी का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है।